भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 2022 T20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ रैकेट के साथ अपना बैंगनी पैच बढ़ाया। कोहली ने एक और अर्धशतक बनाया क्योंकि भारत ने DLS पद्धति का उपयोग करके 5 अंकों की रोमांचक जीत हासिल की। कोहली ने 44 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 64 रन बनाए। वर्ष की शुरुआत में सूखे के बाद 35 वर्षीय कोहली ने संयुक्त अरब अमीरात में एशियाई कप और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घटना से पहले द्विपक्षीय श्रृंखला में अपनी प्रगति देखी। कोहली हमेशा ऑस्ट्रेलिया में गोल करना पसंद करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रन के साथ चल रहे T20 विश्व कप के चलन को जारी रखा है, जिससे भारत को 4 विकेट की महत्वपूर्ण जीत दर्ज करने में मदद मिली है। उनके शॉट ने भारत के लिए स्वर सेट किया क्योंकि उन्होंने T20 विश्व कप अभियान शैली में शुरू किया था। उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ रैकेट के साथ अपना अच्छा फॉर्म जारी रखा, जहां उन्होंने 44 गेंदों पर 62 अंक बनाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके पास सिर्फ एक दिन का अवकाश था क्योंकि उन्होंने बुधवार को सत्र के अपने 30वें भाग को चिन्हित किया। बांग्लादेश के खिलाफ कोहली के 64 रनों ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन बनाने के महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में 84 पारियों में 42.85 की औसत से 3,300 रन बनाए, जबकि कोहली ने 57 मैचों में 56.77 की औसत से 3,350 अंक जुटाकर उन्हें मोहरा बनाया।